हेलो, सुस्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लैकेस्ट का आखिरी एपिसोड। तो आपकी एक्साइटमेंट को ना बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीन लैंटर्न को, जो कह रहा था, सच ये है कि मैं डरता हूँ एक चीज से, लोगों के पास जाने से। मैं डरता हूँ लोगों के पास जाने से, क्योंकि ब्लैक हैंड सही था, क्योंकि इवेंचुअली सभी लोगों को एक ना एक दिन मरना ही है। जहाँ पर हम देखते हैं कि कैरल लड़ रही थी ब्लैक लैंटर्न से और सिनिस्ट्रो अब व्हाइट लैंटर्न बन चुका था। और अगर आपने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा तो देख ले, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि आखिरकार सिनिस्ट्रो व्हाइट लैंटर्न कैसे बना। आगे हम देखते हैं व्हाइट लैंटर्न बढ़ता है नेक्रॉन की तरफ और वो कहता है, पीछे रहो क्योंकि मैं अब उस लाइट से बॉन्ड हो चुका हूँ, क्योंकि खुद ही लाइफ है। मैं हूँ सिनिस्ट्रो, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, और तुम्हारा ये घास काटने वाला हथियार मुझे नहीं मार सकता नेक्रॉन, बिल्कुल भी नहीं। और इतना कहते ही वो अपनी ताकत का सैलाब लाता है नेक्रॉन पर। और यहाँ पर इस सबसे घबरा कर सारे लैंटर्स आपस में बात कर रहे थे, तो हमारा टीम एफर्ट सारा खत्म हो चुका है ना। सिनिस्टर को ये नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, जिस पर हेल कहता है, मुझे लगता है कि उसे पता है कैरल, पर कैरल पूछती है तो आगे क्या करना है। जिस पर गैंथर्ड कहता है, सिनिस्टर अभी उस चीज से या फिर उस लाइट से कनेक्ट हुआ है जो कि पूरे यूनिवर्स को ड्राइव करती है, और सिनिस्टर अकेला उस एंटिटी को नहीं संभाल सकता, बिल्कुल भी नहीं। जिस पर एटम पूछता है, तो हम यहाँ पर किस तरह के पावर की बात कर रहे हैं। जिस पर गैंथर कहता है, गॉड लाइक पावर से बिल्कुल भी नीचे नहीं रहे, क्योंकि वो खुद ही गॉड लाइक पावर है। यहाँ पर सिनिस्ट्रो ने नेक्रॉन को कैद कर लिया था जंजीरों में, और वो कहता है, तुम्हारे अनाइलेशन का मार्क अबिनसुर के मिशन के साथ ही खत्म होता है और मेरे मिशन के साथ शुरू। और इतना कहते ही वो नेक्रॉन का हार्ट उसके चेस्ट से बाहर निकाल लेता है और कहता है, ये तो बहुत ही आसान था, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं थी। लेकिन वहीं पर एक ब्लैक लैंटर्न उसका हथियार उठाकर फिर से वो नेक्रॉन बन जाता है। इस पर नेक्रॉन कहता है, तुम मुझसे लड़ नहीं सकते लैंटर्न, क्योंकि तुम लाइव हो, लेकिन मैं नहीं, मैं खुद डेथ हूँ, समझ गए, और इस वजह से तुम डेथ और स्पेस में कभी भी मुझसे जीत नहीं पाओगे। तो अब बिल्कुल भी मत छुपो ट्रेसपासर। और इतना कहते ही वो सिनिस्टर के अंदर हाथ डालकर उस एंटिटी को बाहर खींचने लगता है। इतना देखते ही वॉकर कहता है, ऐसा नहीं लग रहा कि नेक्रॉन एक सिंगुलर एंटिटी है। यहाँ पर गैंथर्ड कहता है, सिनिस्ट्रो उसके ऊपर का कंट्रोल लूज कर रहा है, उस एंटिटी के ऊपर का, क्योंकि उसका ईगो इसे फ्यूल कर रहा है और वो सर्वाइव करने के लिए विल के बजाय ईगो का इस्तेमाल कर रहा है। जिस पर हेल कहता है, तो मैं करूंगा। जिस पर गैंथर्ड कहता है, नहीं, कोई भी उस एंटिटी को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो तुम्हें भी रिजेक्ट कर देगी सिनिस्ट्रो की तरह। जिस पर स्टार सफायर कहती है, तुम एक बात भूल रहे हो, पॉइंट ये है कि व्हाइट लाइट अभी भी नेक्रॉन को रोक नहीं पा रही है। इस पर पीछे से आते हुए लेक्स कहता है, रिंग्स, मैं डिमांड करता हूँ गार्डियन, तुम सभी की रिंग्स को, मुझे तुम सभी की रिंग्स चाहिए मेरे वर्ल्ड के लिए। यहाँ पर उसे मारते हुए लास्टलिस कहता है, तुम चुप करो क्योंकि विक्ट्री मेरी है, तुम टकले हो, समझ गए, और अगर तुम्हारे सिर पे एक भी बाल होता तो वो भी मेरा होता और उसे भी मैं ही ले लेता। हमें यहाँ पर नेक्रॉन की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है, विक्ट्री सिर्फ एक मोमेंट के लिए तुम्हारी थी ऑरेंज लैंटर्न, लेकिन वो मोमेंट अब जा चुका है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बचे हुए ब्लैक लैंटर्न उन सभी पर हमला करने के लिए आ रहे थे और एक एक करके वो सभी को मार रहे थे। यहाँ पर सभी लैंटर्न उन ब्लैक लैंटर्न से लड़ रहे थे और यहाँ पर इंडिगो लैंटर्न सभी को मैसेज भेज रही थी और वो अपने भाषा में कुछ कहती है। जिस पर बैरी पूछता है कि अभी उसने क्या कहा। जिस पर एटम जवाब देता है, उसने कहा, इंडिगो ट्राइब ने मैसेज रिसीव कर लिया है फ्लैश और वो सभी हमारे बैकअप के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि इंडिगो लैंटर्न के साथ ही सभी लैंटर्न यहाँ पर आ रही थी उन सभी ब्लैक लैंटर्न को मारने के लिए। और उन सभी लैंटर्न को मारने के बाद वो सभी कॉप मेंबर्स बढ़ते हैं आगे उस एंटिटी और नेक्रॉन की तरफ। यहाँ पर हेल जॉर्डन कहता है, ब्लैक लैंटर्न को भूल जाओ, सभी लोग उस सोर्स को हिट करो, सभी लोग अपनी बीम के साथ उसे हिट करने के बजाय सोर्स को हिट करो। यहाँ पर गाय कुछ कह ही रहा था कि तभी उसमें डेडमैन एंटर हो जाता है और वो कहता है, ये रिंग किसी ज्वेलरी की तरह वर्क नहीं करती। जहाँ पर वो कहता है, गाय तुम्हें क्या हुआ। जिस पर डेडमैन कहता है, नहीं, मैं हूँ डेडमैन लैंटर। और वो आगे कहता है, मैं इस चीज के भीतर अभी भी फ्लोट कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ नेक्रॉन, वो एक सेंटेंट है ब्लैकनेस का और वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी स्पेस है एटम्स और प्लैनेट्स के बीच का। नेक्रॉन ने एक टेथर क्रिएट कर दिया है सारे लिविंग थिंग्स के लिए, ब्लैक हैंड, और अगर तुम ब्लैक हैंड को मार पाए तो फिर तुम इस सभी को रोक पाओगे, क्योंकि नेक्रॉन का डोरवे सिर्फ और सिर्फ ब्लैक हैंड है।
और इसी की वजह से वो यहाँ पर आ रहा है। इस पर ग्रीन लैंटर्न पूछता है कि हम ब्लैक एंड को कैसे फिक्स करें, जिस पर डेडमैन कहता है उसके हार्ट को फिर से बीट करके, जिस पर हेल्प पूछता है और ये हम कैसे करेंगे। जिस पर डेडमैन हंसते हुए कहता है तुम सुपर हीरो हो, समझ गए, मैं सिर्फ घोस्ट हूँ और कुछ भी नहीं, और वो उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर सारी लैंटर्न कॉप आगे बढ़ रही थी नेक्रॉन को मारने के लिए, और यहाँ पर नेक्रॉन सिनिस्ट्रो और उस एंटिटी को अलग कर चुका था। यहाँ पर सिनिस्ट्रो कहता है वो एंटिटी मेरी डेस्टिनी है, नेक्रॉन कहता है नहीं, तुम्हारी डेस्टिनी डेथ है सिनिस्ट्रो, और तुम्हारे भी हेल जॉर्डन, सभी लोग जैसे डेथ में मिल गए वैसे ही तुम भी मिल जाओगे, और अब कुछ और नहीं सिवाय पीस के। यहाँ पर ग्रीन लैंटर्न नेक्रॉन से कह रहा था तुम्हें अब भी लगता है नेक्रॉन कि तुम मेरे लाइफ के लिए खुद को क्रेडिट देना चाहोगे, क्योंकि तुमने सिर्फ डोरवे ओपन किया, लेकिन वो मैं था जो कि उसके बीच में से चलता गया। यहाँ पर ब्लैक हैंड हेल जॉर्डन को पीछे खींचते हुए कहता है लाइफ सिर्फ एक एक्सीडेंट है जॉर्डन, और इसका कुछ भी मतलब या फिर कुछ भी पर्पज नहीं बनता। यहाँ पर बेरी हेल को बचाते हुए कहता है लाइफ हमें पर्पज नहीं देती ब्लैक हैंड, बल्कि हम लाइफ को पर्पज देते हैं। और यहाँ पर ग्रीन लैंटर्न उसका सपोर्ट करते हुए कह रहा था मेरे और नेक्रॉन के बीच में कुछ तरह का कनेक्शन हो सकता है, लेकिन उससे भी स्ट्रॉन्गर कनेक्शन मेरा लाइफ के साथ है। और इतना सुनते ही ब्लैक लैंटर्न सुपरमैन उसकी तरफ बढ़ते हुए कह रहा था तो तुम्हारा मेरे बारे में क्या कहना है हेल। जिस पर हेल कहता है तुम भी सुपरमैन, तुम भी डूम्सडे के जरिए मारे जा चुके थे, लेकिन तुम भी वापस आ गए, और तुम्हारा इसी वजह से लाइफ से कनेक्शन है, न कि नेक्रॉन से। और इतना कहते ही वो उस एंटिटी की तरफ बढ़ते हुए कहता है तुम सभी लोगों को अपने जैसा समझते हो नेक्रॉन, लेकिन ऐसा नहीं है, सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते, हम सभी के पास लाइफ को चूज करने के अलग अलग चांसेस होते हैं। और जैसे ही वो उस एंटिटी में दाखिल होता है सभी ब्लैक लैंटर्न्स और अभी अभी बने सभी लैंटर्न्स के सारे रिंग्स के कनेक्शंस ओवरराइड हो जाते हैं, और तभी वो कहता है क्योंकि हम सभी अभी कनेक्टेड है। और इतना कहते ही हम देखते हैं सारे सुपर हीरो जो कि अभी ब्लैक लैंटर्न बन चुके थे वो व्हाइट लैंटर्न बनकर वापस आ जाते हैं। और यहाँ पर वापस आते ही हेल जॉर्डन कहता है और अगर कोई पार्ट है व्हाइट लैंटर्न कॉप का तो वो हम में से ही है। और इतना कहते ही नेक्रॉन की ताकत कम पड़ने लगती है। यहाँ पर सभी लोग नेक्रॉन पर अटैक करते हुए कहते हैं और हम सभी ने लाइफ को चूज किया है फिर से जीने के लिए, हमने उसे चूज किया है ना कि तुम्हें। और यहाँ पर नेक्रॉन को मारने के लिए वो सबसे पहले विलियम हैंड को जो कि अर्थ से था उसे जिंदा करते हैं। और तभी जैसा कि डेडमैन ने कहा था कि ब्लैक हैंड डोरवे है, उसके विलियम हैंड बनते ही उसके मुंह से सिर्फ और सिर्फ व्हाइट लैंटर्न रिंग्स बाहर निकलने लगती है और वो सीधे जाकर लगती है नेक्रॉन को, और इसी के साथ नेक्रॉन जलने लगता है और एक व्हाइट लैंटर्न रिंग जाकर घुसती है ब्लैक लैंटर्न पावर सोर्स में, और वहां पर वो रिंग गई थी एंटी मॉनिटर ऑफ क्वाड के लिए, और उसी के साथ एंटी मॉनिटर फिर से जिंदा हो जाता है उस पावर बैटरी से। और जिंदा होते ही वो सबसे पहले अटैक करता है नेक्रॉन पर, और वो कहता है मैं तुम्हारा प्रिजनर या फिर पावर सोर्स नहीं हूं नेक्रॉन। इस पर नेक्रॉन कहता है तो तुम कुछ भी नहीं हो क्योंकि तुम इस यूनिवर्स की नहीं हो क्रीचर, तो अपने यूनिवर्स में वापस जाओ। और इतना कहते ही वो उसे अपने यूनिवर्स में वापस भेज देता है। यहाँ पर एक रिंग नेक्रॉन के लिए भी निकल चुकी थी। यहाँ पर उसे देखते ही वो कहता है नहीं, तुम ट्रेसपासर हो और तुमने एनिमी को ही एग्जिस्टेंस में ला दिया। और इतना कहते ही नेक्रॉन तबाह हो जाता है। यहाँ पर हम देखते है कि जो जो ब्लैक लैंटर्न बन चुके थे या फिर मर चुके थे वो अब फिर से धीरे धीरे जिंदा हो रहे थे, जैसे कि रॉनी रेमंड, हैंक हॉल, मैक्सवेल लॉर्ड, रिवर्स फ्लैश, कैंड्रा सॉन्ड्रस, कार्टर हॉल, मार्शियन मैनहंटर, आर्थर करी, और यहाँ तक कि बॉस्टन ब्रांड भी, क्योंकि उसका शरीर भी अब एक ब्लैक लैंटर्न बन चुका था, जैसा कि हमने ब्लैकेस्ट नाइट बैटमैन में देख ही चुके हैं। और वो रिंग उसके आर पार जाते ही वो फिर से लीव हो जाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक एक हीरोज जो कि ब्लैक लैंटर्न बन चुके थे या फिर विलन्स सभी वापस आ जाते हैं लाइफ में। यहाँ पर आर्थर को देखते ही मेरा कहती है आर्थर तुम वापस आ गए, और इतना कहते ही वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। और उसे देखते ही एक्वामैन आगे बढ़ता है और एक ग्रीन लैंटर्न से पूछता है कि क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ हेल, मेरा नीचे क्यों गिर गई। इस पर हेल कहता है क्योंकि वो अभी कार्डियक अरेस्ट में जा चुकी है। लेकिन क्यों? जिस पर कैरल कहती है क्योंकि उसका हार्ट टॉप हो चुका है, और वो एक्वामैन से उसका हाथ मांगती है, और उसके हाथ के जरिए वो उसकी बीट को फिर से चलाने की कोशिश करती है, और वो कहती है तुम्हारा हार्ट फिर से बीट हो रहा है और तुम वापस आ चुकी हो। और यहाँ पर वॉकर कहता है मेरी ब्लू लाइट रेड रिंग के इफेक्ट को रिवर्स कर देगी, और होता भी ऐसा ही है, और मेरा फिर से जिंदगी में वापस आ जाती है। और उसे देखते ही एक्वामैन उसे गले लगा लेता है। यहाँ पर कैंड्रा सॉन्ड्रस और एक्वामैन दोनों ही लाइफ में वापस आ चुके थे, और वो हॉक गर्ल को पुकारता है कैंड्रा के नाम से, लेकिन वो जवाब नहीं देती। और थोड़ी देर बाद वो अपना पूरा नाम कहती है और कहती है मुझे सब कुछ याद आ चुका है,
हमारे पास्ट लाइफ के बारे में मैं सब कुछ याद कर चुकी हूँ, वो टाइम जब हमने जस्टिस सोसाइटी और जस्टिस लीग ज्वाइन की थी। लेकिन इन सबसे भी कई ज्यादा है तुम कार्टर। मुझे सबसे ज्यादा याद हो तुम। और इतना कहते ही वो कार्टर को अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, कार्टर मैंने तुम्हें कितना मिस किया। और वो उसे किस करने लगती है। यहाँ पर सुपरमैन जॉन को जिंदा देखकर खुश था, जिस पर जॉन कहता है, हाँ लग तो ऐसा ही रहा है कि मैं जिंदा हूँ। यहाँ पर रॉनी रेमंड और जेसन दोनों ही अलग हो जाते हैं। पर रॉनी रेमंड से जेसन कहता है, उसने जेन को मार दिया। और ये सुनते ही रॉनी रेमंड एटम से पूछता है, एटम ये आखिर हो क्या रहा है, आखिर प्रोफेसर टेन कहाँ पर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हैंक वॉल यहाँ पर गुस्सा था और वो कह रहा था, अगर उन्होंने मुझे फिर से छूने की कोशिश की तो वो फिर से नहीं बचेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं काइल को एक ग्रीन लैंटर्न किस करती है, जिसका नाम जेड था। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्लैक एडम के एक जूनियर को। यहाँ पर सुपर बॉय पूछता है, तो ये ब्लैक एडम जूनियर कौन है। जिस पर बार्ट जवाब देता है, मुझे लगता है इसका नाम ओसिरिस है। और वो कहता है कि मैं अभी घर जाना चाहता हूँ। यहाँ पर फ्लैश रिवर्स फ्लैश के पास जा रहा था, जहाँ पर वो भी घर चला जाता है, लेकिन कैप्टन बूमरैंग उस पर अटैक करता है और यहाँ पर उसे मारते हुए वो कहता है, अभी नींद का समय है डिगर। यहाँ पर फ्लैश राल्फ और सू को ढूंढ रहा था, लेकिन हैल जॉर्डन उसे बताता है, नहीं वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेड मैन भी अब जिंदा हो चुका था और उसे सभी लोग देख पा रहे थे और वो अपना मास्क निकाल चुका था। और वो कहता है, अगर तुम मुझे देख पा रहे हो तो मेरा यहाँ पर होना ठीक नहीं है। यहाँ पर लार्ड फ्लिस ल्यूथर को पटक कर कहता है, ये तुम्हारे वर्ल्ड से बिलोंग करता है और इसे डिस्पोज कर देना इस हेयरलेस चोर को। यहाँ पर कैरल कहती है, तुम्हें पता भी नहीं होगा लार्ड फ्लिस कि तुमने क्या किया है। जिस पर लार्ड फ्लिस कहता है, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। और वो आगे बढ़ता है सईद को लेने के लिए, जो कि एक गार्डियन था। और उसे ज्यादा देखकर गैंथर्ड कहता है, सईद नहीं। जिस पर सईद कहता है, कोई बात नहीं गैंथर्ड, क्योंकि मुझे इसकी हेल्प करनी है। और वो आगे कॉप के बारे में पूछने पर सईद कहता है, यहाँ पर फ्यूचर में और भी बहुत सारे पॉइंट्स है जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, सभी कॉप्स के बारे में। यहाँ पर सईद कहता है, एंटी मॉनिटर अपने यूनिवर्स में वापस जा चुका है, लेकिन हमारा अभी कॉन्सर्न है ब्लैक हैंड, वो मिसिंग है। और तभी ब्लू लैंटर्न भी कहता है कि इंडिगो वन और उसकी ट्राइब भी मिसिंग है। यहाँ पर हम देखते हैं उनके होम प्लेनेट पर सबसे पहले हमें इंडिगो लैंटर्न दिखाए जाते हैं और उन्हीं के बीच में खड़ा हुआ ब्लैक हैंड। यहाँ पर गौतम सिटी में हम देख रहे थे फ्लैश और ग्रीन लैंटर्न को, जो कि अपने अल्टर ईगो में थे, यानी कि बैरे एलन और हैल जॉर्डन। जहाँ पर वो आपस में बात कर रहे थे कि रिंग ने सभी लोगों को नहीं बल्कि कुछ चुनिंदा लोगों को, जैसे कि एक्वामैन और बाकी के, लेकिन सभी को नहीं, उस रिंग ने सभी लोगों को जिंदा नहीं किया। इस पर हैल जॉर्डन कहता है, गैंथर्ड का कहना ये है कि इसके पीछे भी कुछ बिग पिक्चर होगी, क्योंकि इसके अलावा इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। और यहाँ पर उनका कहना ब्रूस से था, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहे थे कि जब बैटमैन ब्लैक लैंटर्न बना तब उसने हम में से किसी को भी नहीं पहचाना, क्योंकि टिम ड्रेक का कहना सही था कि ब्रूस वेन अभी भी जिंदा है। लेकिन फ्लैश पूछता है कि उस एंटिटी का क्या, उस लाइट का क्या, वो तो डिसअपीयर हो गई, क्या वो फिर से अर्थ में चली गई। जिस पर हैल जॉर्डन कहता है, नहीं मैं उसे यहाँ बाहर फील कर सकता हूँ, वो हमारे लिए ही यहाँ पर है, लेकिन अब कोई खतरा नहीं, क्योंकि ब्लैकेस्ट नाइट अब पास आउट हो चुकी है और अब हमें कल के बारे में सोचना चाहिए, ना कि पिछले कल के बारे में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर रोड में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका था और उस गड्ढे के बीच में थी व्हाइट लैंटर्न पावर बैटरी। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको इसके आगे का पार्ट भी चाहिए, यानी कि ब्राइटेस्ट डे, तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्लैकेस्ट नाइट के खत्म होने से पहले ही काफी लोगों ने मुझे कमेंट करके ये कहा था कि वो इस स्टोरी लाइन से बोर हो चुके थे। आप ऐसे बहुत सारे लोग अगर इसमें इंटरेस्टेड है तो फिर मैं वो कॉमिक शुरू करने के लिए तैयार हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।